सो गाइस यार आज के इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं वो आपने थंबनेल पर देख लिया। हो सकता है कि दोस्तों आपको भी ये प्रॉब्लम आती हो, आपका भी जो सब्सक्राइबर वो हाइड नहीं होता हो। दोस्तों YouTube की अपडेट की बात करें तो ये हर महीने हर मंथ में यहाँ पर ये बदलता रहता है कि किस प्रकार से आपके सब्सक्राइबर हाइड होंगे। कुछ दिन पहले की बात करें तो दोस्तों कुछ अन्य तरीके से होते थे, अब की बात करें तो दोस्तों कुछ अन्य तरीके से हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हाइड होने लगे हैं। दोस्तों YouTube अपडेट करता रहता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में अगर आपके भी सब्सक्राइबर हाइड नहीं होते हैं तो अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आपका जो सब्सक्राइबर है वो हाइड हो जाएगा और लाइव प्रूफ आपको मोबाइल स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। तो चलिए गाइस आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी प्रॉमिस, अगर चैनल पर भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो आपको नोटिफिकेशन बेल मिलता है उसको ऑल पर सेट कर देना जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अभी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि सन 2021 आ चुका है, अब दोस्तों हमारा जो सब्सक्राइबर हाइड करने का पॉइंट है, ऑप्शन है, वो वहां पर मिलता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारी वहां पर खोज की, तो उसके बाद में मेरे को मिला है कि कहाँ से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अब सन 2021 में हाइड होंगे। सन 2020 की आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, सन 2019 की मिल जाएंगी, सन 2018 की मिल जाएंगी, कई प्रकार से वहाँ पर अगर आप उन वीडियो को बात करते हैं तो आपका जो सब्सक्राइबर हाइड करने का ऑप्शन है वो वहाँ पर आता ही नहीं है। तो आपको अगर आप सन 2021 में अपने सब्सक्राइबर हाइड करते हैं तो दोस्तों आपको सन 2021 वाली ही वीडियो देखनी चाहिए जिससे आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो हाइड हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, इसके बाद दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ आपको अपने सब्सक्राइबर हाइड करके दिखाएंगे। सो गाइस जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने एक YouTube चैनल को यहां पर ओपन कर लिया, इसके सब्सक्राइबर भी यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 7 सब्सक्राइबर हैं और ये जो सब्सक्राइबर हैं ये अभी अनहाइड हैं। इनको हाइड करके यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली अपने YouTube चैनल को किसी भी क्रोम ब्राउजर या कोई से ब्राउजर में ओपन कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपने कोई सा ब्राउजर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, उसमें अपने चैनल को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्रोम बीटा को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमको यूट्यूब यहाँ पर सर्च कर लेना है। जब भी दोस्तों आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यूट्यूब ओपन होगा। यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद उसको डेस्कटॉप साइट पर यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। जब दोस्तों आप डेस्कटॉप साइट पर ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली अपने लोगो पर ही कर लेना है क्लिक। अपने लोगो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा YouTube स्टूडियो पर ही आपको कर देना है क्लिक। जब दोस्तों आप YouTube स्टूडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वो दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग का आइकन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड में नीचे की तरफ आपको सेटिंग का आइकन मिल जाएगा, उसी सेटिंग के आइकन पर आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पहले कई अन्य तरीके से होता था, लेकिन दोस्तों ये जो नया अपडेट है उसमें दोस्तों आपको अपने चैनल पर जाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर चैनल पर क्लिक कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर आपको क्लिक करना है एडवांस सेटिंग पर। तो दोस्तों यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा सब्सक्राइबर काउंट, डिस्प्ले द नंबर ऑफ द पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो दोस्तों ये यहाँ पर अभी टिक है, इसको अनटिक आपको कर देना है। अनटिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर कर देना है क्लिक। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको जो सब्सक्राइबर है वो यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों पहले की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर बहुत ही अंदर जाना होता था, उसके बाद में हमारे सब्सक्राइबर हाइड होते थे। तो अब दोस्तों हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अभी हाइड हुए हैं या नहीं हुए। सो गाइस जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, वही मैंने यहां पर चैनल को अपने लॉगिन कर लिया। अब यहां पर दोस्तों आपको सब्सक्राइबर यहां पर 0 दिखते होंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक भी सब्सक्राइबर यहां पर दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों इसी पर आपको क्लिक करना है। इसी अगर जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया ये सारे कुछ फॉलो किए तो आपके भी सब्सक्राइबर हाइड हो चुके होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने अभी हमारे स्क्रीन पर देखी लाइव प्रूफ, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो वहाँ पर हाइड हो चुके हैं। तो अगर आपके भी सब्सक्राइबर हाइड नहीं हुए हैं, जो भी मैंने ट्रिक आपको बताई है, जो भी मैंने आपको फॉलो करने को बताया, अगर आप ये सारा कुछ फॉलो करते हुए पहुँच गए हैं तो आशा करता हूँ कि आपके भी सब्सक्राइबर हाइड हो चुके होंगे। तो अगर आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो पूरी तरीके से हाइड हो चुके हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है वो सन 2021 में जो भी सब्सक्राइबर हाइड करना चाहता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये कुछ नए अपडेट के ऊपर है, और दोस्तों पुराने वाले जो पुराना अपडेट था YouTube का उस पर कई सारी वीडियो बनी हुई हैं, उस पर सभी बंदे बताते हैं कि इस प्रकार से सब्सक्राइबर हाइड होंगे, लेकिन दोस्तों वहां पर आपको कुछ ऑप्शन ही नहीं मिलता है। तो आप सब्सक्राइबर हाइड किस प्रकार से करें? और गाइस जब तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो नीचे आपको लाल बटन मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके
वहां पर बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना, जिससे आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अभी की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड साथ में जय हिंद।